नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 7 5G वर्सेस OnePlus 10 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 7 5G में 6.32 इंच जबकि 10 Pro 5G में 6.42 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Reno 7 5G में 2.88 इंच जबकि 10 Pro 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Reno 7 5G में 0.31 इंच जबकि 10 Pro 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 7 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 7 5G में 173 ग्राम जबकि 10 Pro 5G में 200.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 7 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno 7 5G में AMOLED जबकि 10 Pro 5G में Fluid AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 7 5G में 6.43 इंचेस जबकि 10 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Reno 7 5G में 1080x2400 और 10 Pro 5G में 1440x3216 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 7 5G में 84.91% जबकि 10 Pro 5G में 89.97% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 7 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि 10 Pro 5G में 526 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 7 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और 10 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 7 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 10 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 7 5G में Mali G68 MC4 जबकि 10 Pro 5G में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 7 5G में MediaTek Dimensity 900 MT6877 और 10 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 7 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि 10 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Reno 7 5G में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 10 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Reno 7 5G में अप टू 1TB जबकि 10 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Reno 7 5G में Android V11 जबकि 10 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Reno 7 5G में 4500 mAh जबकि 10 Pro 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो ट्रीनो 7 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 10 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 66,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 71,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो रीनो 7 5G में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus 10 Pro 5G की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 10 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में रीनो 7 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 10 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 5G है, तीसरा OnePlus 8T 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।